पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसआर चौकी, एसआर चौकी, एसआर चौकी, चौकी इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर साहब, सेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ कितने कबाड़ी देते हैं पैसे? मुझे सबका पता है, मुझसे इसका पता मुझे जब लगा ये तो माल आधे हो जाएगा, आधे पैसे माल लेते हैं। वो मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी है जो सेक्टर 36 में चोरी करी है? कौन नहीं पता, सिलेंडर जो चुराए थे वो दो सिलेंडर, वो सब उन लड़कों ने पता नहीं कहा। जब मुझ पर लठ बज रहा मैं तो ऐसे करके बताया दी, लेकिन मुझे कोई वो मोटरसाइकिल कहाँ है? कैंपर में बताई थी ना? नहीं बताई थी, मुझे पलट हुआ। अच्छा मैं छोड़ा। पुलिस की क्लियर हो जाए, थोड़ा आगे लगा आगे हो, आगे खाना हो जाए। पुलिस को आप कितने पैसे देते हैं? 15,000 रुपए बता रहा हूँ। और कबाड़ी वाला बेचा है 15,000 रुपए महीना देते हूँ। दस जोर से बोलो थोड़ा सा। अरे शांति रहो, पूछ रहे हैं कितने रुपए महीना देते हो? 15,000 रुपए बता रहा कबाड़ी, 15,000 रुपए खर्चा हमारा पुलिस वालों को। किस किस को देते हो पुलिस वालों को? नाम को मुझे पता। कौन कौन कबाड़ी है जो पुलिस को पैसा देते हैं? मोहम्मद उसके पता। क्या नाम है? गौरव का है। गौरव कबाड़ी है, एचर का है। कहाँ है उसका गोदाम? शहर का गोदाम है। यहाँ गोदाम कहाँ पे है? सामान पड़ा है वहाँ पे। ठीक है, नहीं निकल सकते, पुलिस कोई सुनवाई वगैरह नहीं करती है। पुलिस के पास कंप्लेंट कर रहे हो तो पुलिस आती है, चली जाती है, कुछ नहीं करती है पुलिस। और पुलिस मंथली खाती है इन लोगों से, चोरों से, सबसे, और उसके बाद कोई किसी तरह की भी सुनवाई नहीं होती है। चौकी में अगर वैसे कोई गाड़ी चोरी हो जाए, कोई गरीब फंस जाए, तो हमेशा पैसे वाले के साथ देती है पुलिस, गरीबों का कभी नहीं देती है। और ये लोग निकलते हैं, अभी परसों पर्स छीना है यहाँ से पार्क के पास से, एक लेडीज के हाथ से पर्स छीन के पुलिस भागी थी, ये लोग चोर वगैरह। अच्छा सिटी लोग जो आते हैं शाम को उनके बताओ, सिटी लोग आते हैं ना कुछ? हाँ, ये लड़के वगैरह खड़े रहते हैं, उंडे उंडे सब बदतमीजी करते हैं, लड़के हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न वगैरह गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पे पार्क के सामने। छह बजे के बाद तो निकल ही नहीं सकती है लेडीज यहाँ से। कई बार पूछ। क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी आज? मेरा नाम बलराज हूँ है, मैं अपने सेक्टर 36 का RWA का अध्यक्ष हूँ। अब तक हमारे सेक्टर में 10-11 चोरी हो चुकी है। रात 2 बजे सेक्टर के लोगों ने और सिक्योरिटी गार्ड ने इस चोर को पकड़ा और 3 चोर भाग गए। पकड़ने पर जब इस चोर की पिटाई करी तो इसने एक्सेप्ट किया है। इनमें से 8 चोरी मैंने की हैं और पूरे ग्रेटर नोएडा में करता हूं और इस माल को कबाड़ी इनको बेचता हूं। एचर में गोरव नाम का लड़का है। इतना वो माल हम देखने गए तो वहाँ माल था, जब दोबारा 1 घंटे बाद गए तो माल वहाँ से गायब हो गया। और फिर इसने बताया है कि हम पुलिस को 16,000 रुपए देते हैं मंथली कबाड़ी के थ्रू। यहाँ पे जो पुलिस थाना है या एचआर चौकी है, किस में देते हैं? थाने में देते हैं कि एचआर चौकी में देते हैं? इसने ये नहीं बताया कि हम पुलिस चौकी एचआर में देते हैं, थाने देते हैं। यू कबाड़ी वाला जानता है कि वो किसको जाते हैं, पूरा रैकेट है। हाँ, इनका पूरा रैकेट है। ये नहीं बताया कि एचआर चौकी को देते हैं या थाने में देते हैं, लेकिन पूरा रैकेट है कबाड़ी वाले। अब तक हम SP जोली साहब से भी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी चोरी जल्द ही बंद हो जाएंगी। लगभग SP साहब से मिले हमें 1 महीने हो गया, लेकिन हमारी कोई चोरी बंद नहीं हुई। सेक्टर वालों ने हिम्मत दिखाई है, सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। तब ये रात को 2 बजे पकड़ा, इसने बताई कि जो अब तक चोरी हुई है उनमें से 8 चोरी मैंने की है, और जो पिछले महीने चोरी हुई है, 1 मोटरसाइकिल, 2 सिलेंडर शिवलोक में, वे कैंपुर में खड़ी हुई है। जब हम कैंपुर गए तो वहां से वो माल गायब मिला। मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं रात के 2:30 बजे पढ़ाई कर रहा था तो मेरे घर के पीछे से आवाज आया, ऐसा लगा कि कोई बर्तन वगैरह या कोई लोहे वगैरह लेके जा रहा है।
मैंने देखा तो चार लोग एक रिक्शा पे मतलब सारा सामान लेके जा रहे थे वहाँ से। तब मैं वहाँ अपने घर से आया, मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और वहाँ से आके गार्ड साहब को मैंने इनसे आके मतलब ये कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये मेरे साथ गए। हम इच्छर गाँव है, बगल में इच्छर गाँव है, वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने देखा कि चार लोग वहीं पर खड़े थे, हमें देखते ही वो भागना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं और गार्ड जी ने उनके पीछे भागना शुरू किया और तीन भाग गए, लेकिन एक हमारी पकड़ में आ गया। उसके बाद फिर उसने ऐसा बयान दिया कि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और जो है वो उनका जो हाथ है पुलिस से भी मतलब पुलिस से भी उनका हाथ मिला हुआ है, ऐसा उनका कहना था। और बस पुलिस के साथ जो साठ गार्ड है उसके बारे में उसने क्या बताया? पुलिस के साथ जो सात गार्ड है उसके बारे में उसने ये बताया कि वो 16,000 रुपये हर महीने पुलिस वालों को दिया जाता है।